और अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे सुप्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह पर। आपकी अदालत में आज जनता की ओर से जज होंगे वरिष्ठ पत्रकार जावेद नकवी और जनता की ओर से मुकदमा चलाएंगे जनता के वकील रजत शर्मा। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपनी गायकी से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन जैसे सफलता की एक एक पायदान पर चढ़ते गए, लोगों की उंगलियां उठी, इल्जामात लगे, सवाल पूछे गए। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह आपकी अदालत में हाजिर हो। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले आज के जज जावेद नकवी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। जगजीत सिंह साहब पे मुकदमा जारी किया जाए। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में, पहला इल्जाम जगजीत सिंह पर। आपकी अदालत में जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह पर इल्जाम है कि ये शरारती हैं। और इस इल्जाम पर बात करें इससे पहले आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूं कि आप सच बोलें, क्योंकि आपने खुद ही बार बार लोगों को ये सुनाया है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि झूठ दूर तक नहीं जाता है। ये बात सही है कि आपके पिताजी तो चाहते थे कि आप पढ़ लिख कर के IAS अफसर बने, कुछ काबिल बने, और आप चले गए गाना गाने के लिए। देखिए, वो सब पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, और हमारे जो ओल्ड फैशन हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज, वो तो यही चाहते हैं कि पढ़ लिख के कोई नौकरी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे कोई जायदाद तो नहीं है, नाम कोई रजवाड़े हैं, तो उनकी यही अप्रोच थी कि अच्छी एजुकेशन हो जाए। IAS बनाना चाहते थे मुझे। उनकी अप्रोच थी आपको IAS बनाने की, और आपकी अप्रोच थी हर क्लास में 2-2 साल लगाने की। नहीं, उसमें भी देखिए कसूर उनका ही है। उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक टीचर रख दिया शुरू में, स्कूल में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, फिर उस्ताद जी रख दिए, उन्होंने ही मुझे इसकी लत डाली म्यूज़िक की कि म्यूज़िक भी सीखो और पढ़ाई भी करो। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप पैसे चुरा करके फिल्में देखने चले जाएं। लेकिन क्योंकि फिल्मों में म्यूज़िक अच्छा आता था उन दिनों में ना, उन दिनों के जो गाने थे बड़े अच्छे थे, बचपन के जो गाने हैं, तो इसलिए वो गाने सीखने के लिए हम फिल्मों में जाते थे। गेट कीपर को रिश्वत दे के? वो तो कई बार हम फटा हुआ टिकट जोड़ के, वो भी उसको बेवकूफ़ बना के भी घुस जाते थे। 5 आने का टिकट था इन दोनों में, मुझे याद है अभी तक, तो टुकड़े उठा के उसको जोड़ लेते थे एक ही रंग के। और ये सही है कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे, फिल्में देखते थे, गाना गाते थे, इसलिए इम्तहान में पास होने के लिए सामने वाले की नकल मारते थे। नकल मारते भी थे, दूसरों को भी मारवाते थे कि आप भी कर लीजिए। तो एक बार हम नकल मारते हुए पकड़े गए थे, तो जो इंस्पेक्टर पकड़ने आया था उसने हम चारों को उठा के दूसरे कमरे में बैठा दिया, बोला अभी यहाँ आराम से मारिए। ये बात भी सही है कि आपकी माँ आपको पैसे देती थी बाजार से सामान लाने के लिए, तो उसमें से 4-5 रुपए गायब कर लेते थे। नहीं, इतना नहीं, इतने तो देखिए ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। उन दिनों में 4-5 रुपए में तो आप पूरा बाजार खरीद लाते थे। मैं 52, 53, 54 की बात कर रहा हूँ, बचपन में तो वो ज़्यादा क्या 12-14 आने की सब्जी आती थी, 1 रुपया मिलता था, 2-3 आने बचाए तो उसमें से 1 रसगुल्ला खाया, 1 कोई चाय पी, तो उसके बाद घर पे आ गए। तो चोरी करने की आदत थी? वो तो देखिए हर शख्स चोरी करता है, आज ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लीजिए, हम तो छोटी चोरी करते हैं। बड़ी चोरी है जो पकड़ी नहीं जाती। और मैंने सुना कि ये
फिल्में देखने की आदत, गाना गाने की आदत आपको ले गई उस जगह पर जहाँ लड़कियों का कॉलेज था, गर्ल्स कॉलेज के बहुत चक्कर लगाया करते थे? नहीं, गर्ल्स कॉलेज तो अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ है। उन दिनों में जो कॉलेज था वो तो हमारे कोच क्वेश्चन था, तो कॉलेज लड़कियों के जाने की जरूरत ही नहीं थी, कॉलेज में लड़कियां थी, बल्कि लड़कियां मेरे कॉलेज की चक्कर लगाती थी। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिससे इश्क हो गया था आपको और हर रोज आपकी साइकिल उसके घर के बाहर ही जाकर पंचर होती थी। हाँ, ये इल्ज़ाम ठीक है, लेकिन अभी साइकिल पंचर होती है उसमें मेरा क्या कसूर है? हर रोज अपनी साइकिल लिए उसके घर के बाहर खड़े रहते थे। वो अपने घर के सामने कीले बिछा के रखती थी ताकि यहाँ से निकले, पंक्चर हो और मैं रुक जाऊँ। एक दिन उसके बाप ने पकड़ लिया था, वो साइकिल ले लिया था, पर मेरे फादर के यहाँ छोड़ के आए कि ये जरा पंक्चर लगवा देना इसका। तो पिटाई हुई थी थोड़ी बहुत? तो एक बार फादर ने हमको पिक्चर देख रहे थे, मुझे याद है, वो थी सिंधबाद द जहाजी, उसमें सिंधबाद के ऊपर फिल्म थी, वो मैं देख रहा था। तो एक पीछे से एक हाथ आया, उसने मेरा कान पकड़ के ऐसे उठा के बाहर शुरू हो गए, फिर साइकिल पे आगे बैठाया। तो मेरे फादर थे जो हॉल में से उठा के लाए थे और पीटते हुए साइकिल पे बैठा के घर लेके आए। लेकिन इसके बावजूद सुधरे नहीं आप? नहीं, इसमें मैं तो सोचता हम बिगड़े नहीं थे, सुधरने की क्या बात है। ये तो नेचुरल है, नेचुरल वे ऑफ अपब्रिंगिंग। बच्चे जो अपने आप बड़े होते हैं विदाउट गाइडेंस, वो ऐसे ही होते हैं। ये बताइए कि ऐसे बड़े होते होते आप मुंबई कैसे पहुंच गए? वो तो फिर देखिए डिसीजन लेना होता है कि करियर क्या करना है। अभी जब मुझे याद है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था, एमए कर रहा था हिस्ट्री की, आईएएस की तैयारी के लिए, वो तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तो जब 2 साल हो गए तो उस बार एग्ज़ाम होता है, तो जवाबदारी होगी अभी क्या किया आपने 2 साल। तो मैं सडनली फिर उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि वाई नॉट इन्वेस्ट टाइम इन म्यूज़िक ओनली, इसमें ही चांस लेते हैं, 9 to 5 वाली नौकरी से बेटर है। तो फिर मुझे याद है 1965 में मैं बॉम्बे आया था, मार्च का महीना था। आप बॉम्बे आ गए और 200-200 रुपए में लोगों की पार्टियों में गाना गाने जाते थे? 200 भी नहीं मिलते थे कई बार, तो एक आदमी से मैंने 200 रुपए, उसने तय किए थे 200 रुपए देंगे, तो मैंने मांगे कि भाई पैसे दे दो, तुम्हारा भरोसा नहीं, तो उसको हार्ट अटैक आ गया था। ये बात सही है कि जब आपकी चित्रा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहली बार आपका गाना सुन करके आपको रिजेक्ट कर दिया था? हाँ बिल्कुल, बोले इनकी आवाज़ बहुत भारी आवाज़ है एकदम। तो फिर कौन सा गाना गा करके आपने उनको फंसाया? वो था उन दिनों में प्यासा फिल्म आई थी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार का प्यार मिला, बस वही गाया करता था दिन रात। अगर आप सुर में गाना चाहें तो आपका हारमोनियम मंगवा दिया जाए। हारमोनियम सुर में है ना? वो गाना जरा सुर में सुना दीजिए जो गाना सुना करके आपने चित्रा जी को इजहार किया था अपने प्यार का। एक नहीं है, कई गाने हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, मैं चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने काफी गाने तैयार किए थे उसके लिए। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे, एक तो ये था, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और मैंने सुना कि चित्रा जी
तलत महमूद की फ़ैन थी, और जब उन्होंने ये आपको बताया कि तलत महमूद की फ़ैन है, तो फिर आपने ये गाना गाया कि तेरी दुनिया में जीने से तो अच्छा है कि मर जाए। नहीं, उसके बाद मैंने क्या किया कि क्यों ना तलत के गाने गाए जाए, क्योंकि शायद हो सकता है खुश हो जाए। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, निकलते दिल के तारों से कोई झलकार क्या जाने। वैसे आपने ये नहीं गाया कि इसमें एक लाइन है, गला किसका कटा क्यों कर कटा, ये तलवार क्यों जाने, क्या जाने? ये मैं अवॉइड कर देता था। जगजीत जी, आपके प्यार मोहब्बत इश्क शरारत पर इल्ज़ामात थे, लेकिन फहरिस्त बहुत लंबी है हमारे पास में। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जगजीत सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। आपकी अदालत में आज जनता के इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं जाने माने गजल सिंगर जगजीत सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम जगजीत सिंह पर। आपकी अदालत में जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह पर इल्जाम है कि इन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए गजल की प्योरिटी से समझौता किया। जगजीत जी, आपकी गजलें सुनकर ऐसा लगता है कि अगर आज बेगम अख्तर होती तो वो ये गाती कि ए गजल तेरे अंजाम पे रोना आया। थैंक गॉड कि वो नहीं है, नहीं तो वाकई वो रोती। देखिए साहब, जहाँ तक प्योरिटी का सवाल है, गजल की प्योरिटी को तो हमने टच नहीं किया है, क्योंकि गजल एक फॉर्मेट है उर्दू पोइट्री की राइटिंग की, जिसमें जो डिसिप्लिन है वो वही है, हम उनको नहीं छेड़ते हैं। उसमें जो रदीफ़ है, काफ़िया है, उसका जो मीटर है, गालिब की गज़ल को हम कभी चेंज नहीं करेंगे। गालिब की गज़ल वही रहेगी, उसमें कोई वर्ड भी चेंज नहीं होगा, या जावेद की या सुदर्शन फाकिर की गज़ल जो है, वो गज़ल को हम कभी टच नहीं करेंगे। हाँ, उसका जो गाने का ढंग है वो अपना अपना है। अभी जो आर्टिस्ट उसको गा रहा है, उसने म्यूज़िक कितना सीखा है, एक्सप्रेशन कैसे वो ला सकता है, किस तरह की वो वेरिएशन कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ इफेक्ट देने के लिए, मूड बदलने के लिए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया आपने, कई जगह कोरस का इस्तेमाल किया गज़ल के साथ, क्यों नहीं? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट तो 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं हमारे म्यूज़िक में। जो वायलिन जो है हमारी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वायलिन जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन अभी क्लासिकल म्यूज़िक में उसको अडॉप्ट कर लिया है। हारमोनियम जो है ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये बेस्ड है अकॉर्डियन का जो छोटा भाई है हारमोनियम, तो उसको मेड इजी करके बना दिया हारमोनियम, लेकिन अभी इंडियन म्यूज़िक में हर क्लासिकल हर आर्टिस्ट जो है इसको यूज़ करता है। तो इसी तरह जो सैक्सोफोन है, क्लैरिनेट हमारे म्यूज़िक में है, आ गया है। तो लेकिन स्वर तो वही है ना, मेरा मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट साउंड वहाँ से आ रहा है, लेकिन आ तो वही सारे गवा पादा नहीं सा आ रहा है, और कोई दूसरे स्वर नहीं आ रहे हैं, स्वर वही आ रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने जो सुर है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन अगर आजकल का ज़माना देखें तो जो सूफिज़म है, सूफी म्यूज़िक है, उसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। नहीं, सूफी म्यूज़िक होता ही नहीं है। सूफीज़म इज़ ए वे ऑफ थिंकिंग। सूफीज़म के नाम पे लंबे लंबे बाल रख के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, तो उसको सूफीज़म थोड़ी कर दो। सूफीज़म तो आपके अंदर से लॉग लगेगी, आप कुछ शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। जगजीत जी, अगर आपकी गज़लों पर ध्यान दें तो आपकी गज़लों में या तो शराब का ज़िक्र होता है या शबाब का ज़िक्र होता है। मेरी गज़लों में बहुत सब्जेक्ट हैं, वेरी वास्ट कवरेज होती है उसमें, सब तरह की प्रॉब्लम है आपको मैं। या फिर आप बात करते हैं तन्हाई की, रुसवाई की, पिटाई की, अंगड़ाई की। मेरी गज़लों में मैंने ऐसी ऐसी गज़लें गाएँ जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्टायर आता है, जिसमें और भी प्रॉब्लम आती हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए। अब मैं राशन की
कतारों में नजर आता हूँ। अब राशन जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, उसको गजल में कैसे देखिए नेचुरल लग रहा है। अब राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूँ, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूँ। अभी देखिए इसमें ना तो शबाब है ना शराब है, इसमें भूख की बात हो रही है, इसमें सोशल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। आपने कहा कि पॉलिटिकल सटायर भी आपने गाया है। हाँ, मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो। देखिए जाति प्रथा जो चल रही है सब जगह, ये धर्म के झगड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर मैंने की थी। मैं ना हिंदू ना मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। ऐसा तो नहीं आपका इरादा कि आप भी सियासत की तरफ कदम बढ़ा रहे हो धीरे धीरे? नहीं, वो अपने आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं चांस बन जाएगा तो आ जाएंगे। आपने सियासत आप के लिए... और हम साथ साथ ही आएंगे मेरे ख्याल में। आप यहाँ लास्ट रो में। मैंने आज तक आपके 4 लाइव परफॉर्मेंसेस देखे हैं। जो क्वालिटी ऑफ सॉन्ग्स, जो गजल्स आपने मेलबर्न में गाई थी वो इंडिया में है ही नहीं। जो हमने यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखे, यहाँ पे देर इज़ अ ब्लेंड ऑफ पंजाबी इज मोर, पंजाबी सॉन्ग्स आर मोर इन कंपैरिजन टू द गजल्स। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि ऐसा क्यों है कि इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी जो कि आपने मेलबर्न में पेश की थी, जो कि मैंने उस वक्त सुनी थी, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये है कि वी इंडियंस आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स और व्हाट, वी डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, वो जो वहाँ थे वो भी इंटेलेक्चुअल, वो भी इंडियन ही है। वो भी इंडियंस ही थे, आई नो दैट। इंडियन यहाँ भी इंडियन है, लेकिन यहाँ क्या दिल्ली में इंडियन से पंजाबी ज्यादा होते हैं। जी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि आप जब फिल्मों में म्यूजिक देने गए थे, जब फिल्मों में आपने गजलें गाई, बहुत पॉपुलर हुई, बहुत पब्लिक से सपोर्ट मिली आपको, और एक कहीं इस बात की झलक दिखाई दी थी कि फिल्मों में अगर म्यूजिक को बेहतर बनाना है तो आपके जैसे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के वापस यहीं आ गए। मैंने छोड़ी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उस तरह का म्यूज़िक जो है जो हमने शुरू किया था, उस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। उस जब मैंने करियर शुरू किया था तो शुरू शुरू में अर्थ, फिर एक प्रेम गीत, साथ साथ ये कुछ फिल्में हमने की थी, लेकिन उस चक्कर में 2-4 गलत फिल्में साइन कर ली, एक डाकू रामवती और पता नहीं क्या क्या, ऐसी उल्टी सीधी फिल्में साइन हो गई, तो वो ट्रैक ही रॉन्ग हो गया मेरा, इसलिए मैंने उस ट्रैक को छोड़ ही दिया, उसके पीछे नहीं भागा। और बल्कि ये जो नॉन फिल्म एल्बम का जो प्रोफेशन है ये बेटर लगा मुझे, क्योंकि इसमें आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो फिल्म में आप ऐसा क्या नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं? नहीं, फिल्म में देखिए आप नहीं कर सकते। फिल्म में सबसे पहले जो प्रोड्यूसर पैसे लगा रहा है फिल्म पे, पहले वो उसकी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो डायरेक्टर है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फिर जो फिल्म की सिचुएशन है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, उस स्टोरी में कैसे आ रही गज़ल या गीत जो भी आ रहा है। और सबसे मुश्किल काम होता है कि हीरो को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हीरो या हीरोइन, वो भी हैप्पी होने चाहिए गाने से। फिर उसके बाद अगर डांस सॉन्ग है तो डांस मास्टर भी हैप्पी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, यहाँ फ्रीडम नहीं है, पूरा स्टोरी में और वो टीम में सेटिस्फाई करके फिर चलना पड़ता है। ये जो हम एल्बम करते हैं इसमें हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है। इफ़ आई एम हैप्पी आई नो यू विल बी हैप्पी। जगजीत जी, आपकी सियासत को लेकर और किस तरह की सोशल एक्टिविटी रहती है उसको लेकर इल्जाम आते हैं। हमें ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जगजीत सिंह पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं जाने माने गजल सिंगर जगजीत सिंह पर। आपकी अदालत में जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह पर इल्जाम है
कि इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। जगजीत जी, जब आपको लोग देखते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? आप दिखते कुछ हैं, अंदर से कुछ है? देखिए साहब, ऐसा है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, अंदर से जो भी हूँ वो एक्सपोज मैं क्यों करूँ सब पे। 2 साल पहले तक आप लगातार ये कहते रहे कि जो सरहद पार से आर्टिस्ट यहाँ आते हैं, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में आते हैं, इनके ऊपर बैन लगा देना चाहिए, ये सच है? बैन नहीं, इनके ऊपर चेक लगाना चाहिए और जो कमाते हैं उस पर टैक्स लगाना चाहिए। जब हमने ये सवाल उठाया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान वालों ने हमें बुलाना शुरू कर दिया। 23 साल तक आप इल्ज़ाम लगाते रहे और 2 साल पहले आप खुद चले गए वहाँ। वो उसके बाद ही, इल्ज़ाम के बाद ही गए थे। मतलब इल्ज़ाम लगाने का मकसद ये था कि आपको बुला लिया जाए। दोनों सर, बिजनेस दोनों साइड होना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना कि आप गए थे एलके अडवाणी के पास और आपने शिकायत की थी। मैं अकेला नहीं गया था, और भी आर्टिस्ट थे। आई वॉज सपोर्टिंग देम, द कॉज वॉज गुड, क्योंकि जो कॉज वो लेके जा रहे थे वो ठीक था, उसमें कुछ बात थी, इसलिए मैं भी साथ में गया था, मैं अकेला नहीं था। और आपने कहा था कि एक तरफ ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं, दूसरी तरफ ये म्यूजिक का संदेश भेजते हैं। वो तो मैं, हम अभी भी कहेंगे, अभी भी आई स्टैंड टू दैट स्टेटमेंट कि जो अभी भी जो थोड़ा टेररिज्म उधर से आ रहा है, थोड़ा बहुत, अभी बंद तो नहीं हुआ बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है, तो वो टोटली बंद होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने आपको कॉन्सर्ट के लिए बुलाया, आप पैसे ऑफर किए, तब आप ये सब बातें भूल गए और वहाँ चले गए? नहीं, भूले नहीं, अभी भी रखते हैं, लेकिन हम बिजनेस थोड़ी बंद कर देंगे अपना। अपने पाकिस्तान ट्रिप का, आपने जो टेररिज्म के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, उनके बारे में बात की, इस सब का इस्तेमाल करके धीरे धीरे कहीं सियासत की तरफ किस तकनी की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अगर राज्यसभा की सीट मिल गई तो आई विल वेलकम इट। इसीलिए आपने जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी कविताएं गा दी थी? वो तो उनकी तरफ से फील आया था, फिर कंपनी की तरफ से आया था कि एल्बम करिए, फिर हमने पूरी बुक में से केवल 8 कविताएं चुनी थी। ये सोने पे सुहागा था कि जो कवि है वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो कुछ फ़ायदा हुआ आपको उनके गाने गाने का? उसके बाद मुझे पद्म भूषण मिला। अभी ये मालूम नहीं उस वो गाने के लिए मिला है या मेरा जो 40 साल का कैरियर है उसके लिए मिला है, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि whether I deserve it or not। लेकिन ये बताइए कि अब तो सरकार बदल गई है, अब तो अलग रिजीम है, तो अब कौन दिखता है आपको इस सरकार में जिसकी कविताएं आप गाएंगे? नहीं, अभी कविता नहीं, अभी कुछ और करूंगा, और मैं सोच रहा हूं अभी पद्म विभूषण के लिए तैयारी करूं। कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं पूछता हूं, आप जवाब पंक्तियों में दीजिएगा। फूल समझे कि चमन बदला, फूल समझे कि चमन बदला, पक्षी समझे कि गगन बदला, पर शमशान की खामोशी कह रही लाशे वही है, सिर्फ कफन बदला, सिर्फ कफन बदला। कहाँ का गायकी का अस्त्र बदला है? कह रहे हैं कि लाशे वही है, सिर्फ कफन बदला है, तो क्या इसी तरह गायकी भी वही है और सिर्फ ऊपर की ड्रेसिंग बदली है? नहीं, लाशे इतनी देर कैसे रहेगी? कफन वही है, लाश बदलती रहती है, कफन वही ऐसे करिए उसको, कोई लाश तो खत्म हो जाती है ना, कफन कैन सर्वाइव। उन्होंने आपको कहा था कि आप इसका सुर में जवाब दें? सुर में? Yes, नहीं यार, ये बहुत मॉर्बिड सा आपने कुछ बोला है, लाशें कफन। कुछ अच्छी बात करो, प्लस पॉइंट लाओ। आपकी फीस कितनी है और कितना पसंद करते हैं आपको लोग, और वो लोकप्रियता हासिल करने के लिए आपने क्या क्या किया, उसको लेकर मेरे पास में थोड़े से इल्जाम हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जगजीत सिंह पर जनता का मुकदमा जारी रहेगा। आपकी अदालत में आज इल्जाम और सवाल के घेरे में हैं जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह। आपकी अदालत में अगला इल्जाम जगजीत सिंह पर। जाने माने गजल गायक जगजीत सिंह पर इल्जाम है कि इन्होंने पैसा कमाने के लिए समझौते किए। जगजीत सिंह जी, आपके जो क्रिटिक हैं उनका ये कहना है कि जगजीत सिंह को किसी तरह के कोई
कवर वर्जन गाने की ज़रूरत नहीं है। जगजीत सिंह को पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गिमिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी आवाज़ है, गायकी है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन इसके बावजूद आपने किशोर कुमार के, हेमंत कुमार के गाने गाए। वो सिर्फ इसलिए गाए क्योंकि वो मेरे फेवरेट सॉन्ग हैं, मेरे बचपन के सॉन्ग हैं जो अंदर उबलते रहते हैं, जिनके साथ में बड़ा हुआ। वो पैसे कमाने के लिए नहीं किए, क्योंकि पैसा तो मुझे हे राम के एल्बम में ज़्यादा मिला है, या मेरी गज़ल की जो एल्बम उसमें ज़्यादा मिलता है, उसमें इतने पैसे नहीं मिले। उसमें तो बल्कि मेहनत ज़्यादा हुई है और हार्डली मेड एनीथिंग। लेकिन आपके जैसे जो कलाकार हैं, जो वाकई में शास्त्रीय गायन को समझते हैं, गज़ल की बारीकी को समझते हैं, आपको तो इस तरह के कवर वर्जन के ख़िलाफ़ होना चाहिए। नहीं, क्यों, जो अच्छा गाना है उसको गाने में क्या हर्ज है, क्यों खिलाफ़ क्यों होना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं जिस तरह के रीमिक्स टीवी पर दिखाई देते हैं। रीमिक्स अलग चीज़ है और ये कवर वर्जन अलग चीज़ है, जिसमें गाना ज़्यादा कपड़े कम दिखाई देते हैं। नहीं, वो तो विजुअल, वो विजुअल की बात कर रहे हैं, मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ। जो रीमिक्स जो होता है वो पुराने गाने को लेके उसी में कुछ ऐड कर देते हैं, म्यूज़िक ऐड कर देते हैं। जैसे अगर आपने हेमंत कुमार का गाना लिया है तो आवाज़ हेमंत कुमार की रहेगी, लेंथ भी गाने की उतनी रहेगी या बढ़ा देते हैं लेंथ, और लेकिन उसमें म्यूज़िक थोड़ा अपना गैप बना के म्यूज़िक डाल देते हैं। ओरिजिनल वॉइस, ओरिजिनल वर्ड्स, एवरीथिंग वही रहता है, लेकिन कवर वर्जन जो है वो अलग चीज़ है। उसमें ये है कि आप पूरा गाना री रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें ओरिजिनल कुछ नहीं, ओरिजिनल सिर्फ ट्यून है और उसके लिरिक्स हैं, बाकी एक्सप्रेशन अपने हैं आपके, म्यूज़िकल ट्रीटमेंट आपका अपना है, साउंड आपकी अपनी है, सब कुछ अपना है, वो उसको कहते हैं वर्जन। जो मैंने किया है, जब लता जी के गाने या आशा जी के गाने रीमिक्स करके गाए जाते हैं, उनके साथ में तरह तरह के वल्गर डांस ऐड कर दिए जाते हैं, उनको तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ नहीं, वो जो डांस ऐड करते हैं वो तो उनका कसूर नहीं है ना, अभी वो तो अभी जो मीडिया दिखाता है उनको दिखाना नहीं चाहिए ऐसी चीज़। अगर कोई बना के लाया है वल्गर चीज़, बोले सब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कुछ टूवर्ड्स सोसाइटी होनी चाहिए ना, कि क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, क्योंकि उसको घर में तो सब बच्चे भी देखते हैं साथ में बैठ के। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जो आपके जैसे सिंगर्स हैं, लता जी जैसे सिंगर्स हैं, इसके खिलाफ एक अभियान चलाएं। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मीडियम जो है, विजुअल मीडियम है, इसके अगेंस्ट एक सेंसरशिप, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होनी चाहिए। आप फैशन शो के नाम पे क्या क्या दिखाते हैं, देखिए जरा, फैशन कपड़े तो होते ही नहीं उनके। मैं आपको इंडिया टीवी की तरफ से वादा कर सकता हूं कि अगर आप ऐसा अभियान चलाएंगे तो उसमें पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे। देखिए, हम बनाते हैं पूरी कमेटी। ये तो आपके म्यूज़िक की बात हो गई, लेकिन मैंने सुना कि पैसे कमाने के लिए आपने घोड़े खरीदे, रेस में पैसे लगाए। घोड़े ज़रूर खरीदे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि अगर एम एफ हुसैन घोड़े बना के इतने पैसे कमा सकता है तो मैं खरीद ही लेता हूँ। जब आपके घोड़े रेस में पीछे रह जाते हैं, हाँ, तो गालियाँ भी सुननी पड़ती होंगी। हाँ, नहीं, जब जीतते हैं उस वक्त ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि हमारा घोड़ा जब जीतता है तो वो फेवरेट तो होता नहीं, वो 10 का भाव है, 12 का भाव है, तो जो पब्लिक ने तो फेवरेट खेला होता है, पर जब जीत के आता है फिर वो जब गालियाँ पड़ती हैं, हे बना लिया ना, मसाला उल्लू बना दिया, देखा गज़ल सुनाते सुनाते घोड़े में भी आ गए, इस तरह के कमेंट्स बहुत आते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आप खास तौर पर लास वेगास जाते हैं कसिनोज में पैसा लगा। लास वेगास तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन कहीं भी कसिनो में चला जाता हूँ। वो तो एक शाम को जरा थोड़ा सा म्यूज़िक से अलग हटके, अलग एटमॉस्फेयर है, मशीनों की आवाज़ अलग आ रही है, वहाँ खड़गड़ गड़गड़ 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 चल रही है, हाँ जी, जगह जगह लोग देखिए खेल रहे हैं, एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, जरा टाइम पास करने के लिए चले गए। तो आपका नाम गैम्बलर सिंह रख सकते हैं, गज़लजीत सिंह गैम्बलर। गज़ल है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश कहाँ चले गए। पहले तो गज़ल नहीं है वो। अच्छा जी, वो गाना है, गाना गीत है, ठीक है, पहले तो आप उसको पहचानिए गज़ल क्या चीज़ होती है। हाँ जी, हाँ जी, वो होना चाहिए। और दूसरा, ये अगर ये सुनना चाहते हैं ना, हाँ जी, तो अभी बड़ी जल्दी मेरा फंक्शन होगा यहाँ, वहाँ टिकट लेना। नहीं, हम यहाँ पर सुनना चाहते हैं, ये मेरा ना यहाँ नहीं, मुझे अगर जिंदगी में कोई अच्छा गाना तो मैं आज लगता है यही अच्छा लगता है, मैं यही सुनना चाहते हैं। कटरे में खड़ा हूँ, मेरे बुरी हालत है, पता नहीं ना फैसला होगा। ये आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ तो मेरे गाना निकलेगा हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे इंडिया की तरफ से, एक दिली इच्छा है मेरी लाइफ। अगर देखिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट है सर आपसे।
मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप फैसले तक रुक जाइए, जज साहब का फैसला क्या आता है फिर उसके बाद हम हमने जनता की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जगजीत सिंह पर, उनकी सफाई मांगी। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जनता के जज जावेद नकवी का फैसला। आपकी अदालत में हमने इल्जाम लगाए जगजीत सिंह पर, उनसे सफाई मांगी आजकल के गानों के स्टाइल पर, गजल के गिरते स्टैंडर्ड पर, रीमिक्सेस पर और पॉपुलैरिटी के लिए प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज पर। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज जावेद नकवी के फैसले का। जगजीत सिंह पे ये इल्ज़ाम साबित होता है कि बावजूद इसके कि वो अच्छे गुलूकार हैं, उन्होंने हर कक्षा में दो दो साल लगाए, लिहाजा अदालत उन्हें ये हुक्म देती है। हर कक्षा में नहीं, सिर्फ दो कक्षा में। दो कक्षा में। इस क्लेरिफिकेशन के बावजूद अदालत उन्हें यह हुक्म देती है कि वो महाकवि निराला की सरस्वती वंदना का रियाज करें और अपने हर प्रोग्राम से पहले उस कविता का ये छंद दोहराएं कि नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद रव नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। और मुमकिन हो तो अभी बिस्मिल्लाह कर दें। महबूबौलत, इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। अब अगर आप जनता की फरमाइश पर कुछ सुनाना चाहें, इन्होंने जो सब लोगों ने फरमाइश की थी। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। जाने वो ताली मत बजाई, सिर्फ गाना गाइए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम कि जब तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन संदेश जहां तुम चले गए, ओ जहां तुम चले गए, ओ कहां तुम चले गए। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि जगजीत सिंह अपनी आवाज का जादू दुनिया भर में फैलाते रहेंगे, सफलता और कामयाबी की नई नई पायदानों को चूमते रहेंगे, आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।